कह रहा था कि शहर में मत चलो, अब देखो चारों तरफ मोटर गाड़ी दिख रही है। अपना लोग छोटे छोटे घोड़ों पर बैठकर आए हो। अरे इन मोटर गाड़ियों को देखकर अपने घोड़े ना आगे बढ़ रहे ना पीछे बढ़ रहे, चारों तरफ मोटर गाड़ियों से गिर गए अपना लोग, क्या करे समझ में नहीं आता है। अरे मोदी जी, मैं आपको शहर में इसलिए लाया हूँ, अपना लोग यहाँ शहर से सामान खरीदेंगे सस्ता, और गांव में महंगा सामान बेचेंगे। अपना लोग सारा का सारा सामान खरीद कर इन घोड़ों पर लाद कर ले जाएंगे और गांव में महंगा बेचकर सामान को अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। चलो राहुल, वो तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट का काम है, अच्छा फायदे का काम है, मुनाफे का काम है, लेकिन इस शहर में इतनी मोटर गाड़ी देखकर मेरा घोड़ा तो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और राहुल, ये क्या एक दरोगा साहब चले आ रहे हैं अपनी तरफ? रुको, सब लोग यहीं पे रुक जाओ, अपने खच्चर पर बैठे हुए सब लोग कैसे चले आ रहे हो तुम सब लोग? जाम लगा दी तुम सब लोगों ने, देख रहे हो सारी की सारी कारें मोटरसाइकिल वगैरह रुक गई। पहली बात तो दरोगा साहब, ये खच्चर नहीं है, ये घोड़े हैं छोटी नस्ल के। और दूसरी बात ये बताओ, यही रास्ता है शहर में अंदर जाने के लिए, तो हम क्या करें? इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो कौन से रास्ते से जाएंगे? अरे भाई साहब, एक बात बताओ, तुम इन घोड़ा पर बैठे हुए हो, अब ये घोड़े तो तुम्हारे हल्के हल्के चल रहे हैं, पीछे से मोटर गाड़ी तेजी से दौड़ रही है रोड पर। जब तुम हल्के चलोगे और मोटर गाड़ी पीछे से आएंगी तो जाम तो लग ही जाएगा, अब ये जाम लग चुका है। तुम लोगों के चलने के लिए फुटपाथ है, उस पर चलो, रोड के बराबर में फुटपाथ पर। अरे भाई, अपने खच्चर को तेजी से आगे बढ़ाओ, मैं कितनी देर से जाम में फंसा पड़ा हूँ, मुझे बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं क्या करूँ, बैंक जाना है आपको? पहली बात तो ये सुनो, ये खच्चर नहीं घोड़ा है, छोटा सा घोड़ा। अगर आपको बैंक जाना है तो हम भी तो शहर में सामान खरीदने के लिए आए, हम भी चलेंगे तो इसी रोड पर, कोई दूसरे रोड पर थोड़ी चलेंगे। अरे भाई, रोड पर चलने के लिए मना नहीं है, रोड के बराबर में फुटपाथ है, उस पे चलो तो ये जाम नहीं लगेगी, नहीं तो तुम्हारा चालान कट जाएगा घोड़ों का। अरे भाई साहब, थोड़ा बहुत तो गांव के स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, चालान तो मोटर गाड़ी इन मोटरसाइकिलों का कटता है, हमारे घोड़ों का चालान किस बात का काटोगे ये बताओ? अरे भाई, जब जाम लगाओगे आप लोग तो चालान तो काटना ही पड़ेगा, इन घोड़ों को फुटपाथ रास्ते पर ले जाओ। अरे दरोगा साहब सही तो कह रहे हैं, अपना लोग तो शहर में आ ही चुके, साइड से चला लो ये मोटर गाड़ी आगे। सोनिया जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या करे सोनिया जी, आपको और मुझको? पेड़ के ही नीचे सब्जी बेचना है, जिंदगी भर क्या करे, गरीब का यही हाल होता है। अखिलेश को देखो, उसने पक्की दुकान बना ली है, उसी के अंदर आराम से सब्जी बेच रहा है, वो भीख भी नहीं रहा। वैसे सोनिया जी, आपके तो सुबह से एक आध किलो आलू बिक भी गए, मेरी तो एक सब्जी भी नहीं बिकी है। तो मोदी जी, मेरे एक किलो आलू बिक गए क्या? दौलत बिक गई? एक किलो आलू बिकने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई, देखो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वैसे मोदी जी, मेरा घर तो पास में है, आपका घर काफी दूर है, मैं तो अपने लौकी और आलू समेट के यहीं पे अपने घर में घुस जाऊंगी, लेकिन आपका घर काफी दूर है, आप इतनी सब्जी लेकर घर तक इस बारिश में कैसे जाओगे? मोदी जी, अब ऐसा करते हैं, दुकान को समेट लेते हैं, देख रहे हो दुकान पर पानी आने लगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोदी जी, अपनी गरीबी पता नहीं कब दूर होगी, पता नहीं अपनी भी अखिलेश की तरह कब दुकान होगी। सोनिया जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, एक दिन मेरी भी पक्की दुकान होगी और मैं छाई हुई दुकान के नीचे ही सब्जी बेचूंगा। सोनिया जी, अब तो ये पेड़ भी बारिश नहीं रोक पा रहा है, पेड़ के अंदर से बूंदे गिर रही है। आप सही कह रही हो, आपका घर तो पास में है, मेरा घर काफी दूर है, और आपकी दुकान पर तो सिर्फ आलू और लौकी है, मेरे पास तो कटहल, कद्दू, गोभी, बैंगन, कई रंग की सब्जी है, मुझको तो समेट कर ले जाना बड़ा दिक्कत होगी। अग्नेश, आज के लिए मैं अपनी ये सब्जी बांध कर तुम्हारी दुकान में रख दूं? तुम्हारी दुकान तो पक्की है। नहीं मोदी जी, मेरी दुकान सब्जी से फुल है, आपकी सब्जी नहीं रख पाऊंगा अपनी दुकान में। सोनिया जी का घर पास में ही है, अपनी सब्जी इकट्ठा करके सोनिया जी के घर पर रख कर चले जाना। लालू जी, अखिलेश वो देखो, मोदी जी और सोनिया जी बेचारे बारिश में सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी, अब इस बारिश में कौन सब्जी लेने के लिए आएगा? सब्जी समेट कर घर जाओ। केजरीवाल जी, फिर भी तुम सब्जी अखिलेश से ले रहे हो, मुझसे सब्जी नहीं ले पा रहे हो? मुझसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ? मोदी जी, मैं आपसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी सब्जी तो बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी हुई है, आधा वजन तो आपकी सब्जी में पानी का ही होगा, जबकि अखिलेश की सब्जी। बाल बहुत बड़े हो गए, बाल काट दो आज मेरे, काफी दिन से खेतों पे काम करते करते बाल कटाने का मौका ही नहीं मिला, चलो आज बाल काट दो मेरे। अभी लो राहुल भैया, अभी काटता हूँ मैं आपके बाल, ये बताओ कितने कितने काट दूँ, ज्यादा छोटे कर दूँ या कम छोटे करूँ बाल को? अरे अखिलेश, बाल ज्यादा छोटे मत काटना, ज्यादा छोटे बाल मुझे पसंद नहीं है,
थोड़ी थोड़ी से काट दो बस। अगले दिन राहुल के बाल कटिंग में कितना वक्त लगेगा, जरा मुझे भी थोड़े थोड़े बाल कटाना है। राहुल के बाल जल्दी जल्दी से काट दो। अगले मोदी जी की बातों में मत आना, मेरे बालों को आराम आराम से काटना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। और मोदी जी खेतों में फसल उसल कैसी चल रही है, मेरा मतलब फसल तो ठीक है खेतों में। राहुल फसल तो ठीक है लेकिन तुम्हारी फसल के चारों तरफ चर्ची है। तुम्हारी बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी हुई है इस बार, हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो रही है। मोदी जी मेहनत का फल है, दिन रात मैं बैंगन की खेती में ही लगा रहता था, देखो बाल कटाने तक का ध्यान नहीं रहा, आज बाल कटाने आया हूँ पूरे महीने बाद। योगी जी आपके करेले की भी तो सब्जी बहुत अच्छी चल रही है। और राहुल मेरे करेले की भी फसल बहुत अच्छी खासी है, अब देखो मंडी में अच्छे रेट में बिक जाए तभी कुछ काम चले। अगले जल्दी जल्दी से राहुल के बाल काटो, उसके बाद मुझे भी अपनी कटिंग कराना है। योगी जी मेरे बाद तो बाल मोदी जी कटाएंगे, आपका नंबर तो मोदी जी के बाद आएगा। योगी जी आप तो आते ही आप काटने लगते हो, थोड़ी देर रुक तो जाओ, राहुल भैया के बाल काटने दो, उसके बाद मोदी जी के बाल काट दूंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अरे ये क्या हो गया, क्या हुआ अखिलेश कुछ तो बताओ। अरे वो कुछ नहीं राहुल भैया, कुछ नहीं हुआ, आप आराम से बैठे रहो और सामने आईने की तरफ मत देखना, नीचे देखे रहना। अरे अखिलेश ये क्या कर दिया तुमने, मोदी जी क्या कर दिया अखिलेश ने मुझे तो बताओ। अरे राहुल सामने आईने में तू देखो, तुमने तो बाल छोटे करने को कहा था अखिलेश ने, इसने तो एक तरफ के बाल तुम्हारे जड़ से ही काट दिए, गंजा बना दिया तुम्हें एक तरफ से। अरे अखिलेश ये क्या कर दिया तूने, मैंने तुझसे कहा था बालों को थोड़े थोड़े से काटना, तूने तो पूरी तरीके से गंजा कर दिया एक साइड से। राहुल भाई ये नया स्टाइल चला है, इसीलिए मैं बालों के नए स्टाइल की कटिंग कर रहा था, एक तरफ से गंजी एक तरफ से बाल। अरे बाहर में गया तेरा स्टाइल, पूरी तरीके से गंजा बना दे मुझे, आज के बाद तेरे पास कटिंग कराने आऊंगा ही नहीं। और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।